हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में हैं। और आज है छठ पर्व, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ढेर सारे शुभकामनाएं देती हूँ। छठ माता जो है सबको खुश रखे, सबको आबाद रखे, सब खुश रहें। और अभी मैं बनाने जा रही हूँ खाना, तो खाने में आज मैं बनाऊँगी जो है मेथी की सब्जी, तो बहुत अच्छा बनाऊंगी, बहुत टेस्टी बनाऊंगी। तो बस उसी की तैयारी कर रही हूँ। तो मेथी की पत्ती मैंने पहले से ही तोड़ कर रख लिया था और अब इसको हम काट रहे हैं, तो बस उसी की तैयारी कर रहे हैं। और इसके बाद हम जो है दो चार आलू लिए हैं, उसको भी छील रहे हैं, आलू भी डालेंगे, तो इसको भी छील कर काट लेते हैं। यहाँ पर मैंने प्याज भी कट कर लिए हैं, टमाटर भी कट कर लिए हैं, आलू भी काट लिए हैं, तो सामान मेरा रेडी हो गया है और अब चल रहे हैं बनाने। तो बस मैंने पहले इसमें तेल डाला है, तेल गर्म हो गया है, तो इसके बाद इसमें हम आलू डाल दिए हैं और आलू को ब्राउन होने तक भुनना है। जब तक ये ब्राउन ना हो जाए तब तक इसको भुनना है, तभी अच्छा टेस्ट आएगा। इसके बाद इसको हम जो है निकाल लेते हैं, सारा आलू फ्राई हो गया, इसको निकाल लेंगे। इसके बाद इसमें हम डाल देंगे सौंफ और आधा चम्मच जीरा डाल देंगे, आधा चम्मच अजवाइन डाल देंगे, और इससे जो है मतलब पचफोरन वाला तड़का है, बहुत अच्छा बनता है, प्लीज़ आप लोग ट्राई करिएगा। उसके बाद मैंने आधा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है, हरी मिर्च काट कर डाल दिए हैं, और इसके बाद हम डाल देंगे प्याज कटा हुआ। और प्याज को मुझे ज़्यादा नहीं भुनना है, बस हल्का सा, मतलब थोड़ा सा जो है मुलायम हो जाए। उसके बाद फिर हम इसमें डाल देंगे धनिया, सॉरी हल्दी डाल देंगे आधा चम्मच, आधा चम्मच जो है धनिया डाल देंगे और आधा चम्मच जो है लाल मिर्च डाल देंगे, और इसको हम चला लेंगे। इसके बाद कटे हुए टमाटर डाल देंगे, टमाटर मैंने यहाँ मीडियम साइज दो लिए थे, इसको भी हम डाल देंगे। और इसके बाद गलने के लिए नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार, नमक जो है थोड़ा जल्दी डाल दिए हैं ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। और ये देखिए मसाले सारे भुन गए हैं। इसके बाद हम कटा हुआ मेथी, तो ये धुल कर रखे हुए थे, धुल दिए थे, इसको हम डाल दिए हैं और इसको हम खूब इसको भुनेंगे। उसके बाद इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे। ये देखिए गल गया है। उसके बाद इसमें हम सब्जी मसाला डाल देंगे और इसमें देखिए पानी कितना रिलीज हुआ है। उसके बाद हम आलू डाल देंगे और इसको हम धीमी आंच पे इतना पकाएंगे जब तक इसका पानी पूरा अच्छे से सूख ना जाए। और इसमें हम कसूरी मेथी डाल देंगे। और इधर हम बना रहे हैं पोहा नाश्ते में, तो बस जो है इधर मेरा पोहा तैयार हो जा रहा है और इसको हम ढक कर छोड़ दिए तो एकदम कुरकुरा सा हो गया। और इधर देखिए सब्जी मेरी जो है एकदम सा जो है मतलब अच्छे से हो गया है, पानी इसका जो है अच्छे से सूख गया है, और देखिए कितना कम हो गया है। और इसमें हम थोड़ा सा काली मिर्च चाट मसाला डाल देंगे और बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी बनता है, आप लोग भी ट्राई करिए। तो ये देखिए मेरा बढ़िया सा सब्जी, आलू मेथी की सब्जी तैयार हो गई। और ये देखिए मैं जैसे काम करने चली तो वैसे मेरे पीछे पीछे आ गया काम करने, सोफा सही करने लगा है। और उसके बाद फिर मैं किचन समेट लेती हूँ, क्योंकि नाश्ता के मतलब इन लोगों को नाश्ता देने के बाद खाना लंच वंच
उनको मतलब देने के बाद जब ये ऑफिस चले जाते हैं, पूरा मेरा किचन इतना मैसी हो जाता है, देखने लायक नहीं रहता है। तो मैं इसको फिर अच्छे से जो है पहले साफ कर लेती हूँ। तो पहले चाय पीती हूँ, चाय इन लोग के ऑफिस के जाने के बाद मैं चाय पीती हूँ। चाय पीने के बाद मैं किचन को समेटती हूँ, किचन बहुत गंदा हो जाता है। उसके बाद फिर मैं अपना डेली के जो रूटीन होते हैं उसमें जो है जुट जाती हूँ। तो मैं डेली के डेली साफ़ करती रहती हूँ फर्नीचर नीचे सारे जो है ना, कपड़े मार देती हूँ, साफ करती रहती हूँ, तो इससे इतना गंदे नहीं होता। लेकिन अगर वही आलस कर जाओ, सिर्फ झाड़ू पोछा कर लो और सारी चीज़ें छोड़ दो, तब वो गंदा हो जाता है। तो बस यहाँ पर मैं अपना जो है बेड वेड सरिया लेती हूँ। अभी नहाई नहीं हूँ और मेहंदी लगाई हूँ आज मैं। तो ढेर सारा एलोवेरा जो है निकाली हुई थी जेल, तो उसका उसको जो है मतलब एक ग्राइंड कर लिए मिक्सी में और इसको एक डिब्बे में भर कर रख दिया। और इसमें हम थोड़ा सा जो है एलोवेरा जेल और वो जो लाल मेहंदी आती है पैकेट वाली, तो वही बस वही भिगा कर बालों में लगा लिए हैं। और जब तक हम काम करेंगे तब तक मेरा जो है बाल सूख जाएगा, तो सही रहता है। लगाकर अगर बैठ जाओ तो फिर डर लगता है कपड़े उपड़े में ना लग जाए, मतलब अगर मान लो गलती से लेट जाओ तो काम वाम कर लो तो ज़्यादा सही रहता है। और बस अपना सफाई रूटीन में आ गई, जो डेली के काम है बस वही। पोछा में जो है फ्राइडे के दिन जो है ज़रूर नमक डाल देती हूँ, नमक और थोड़ा सा सर्फ डाल दूँगी। लाइजॉल ख़त्म हो गया है तो जो है और दिन तो नहीं, लेकिन फ्राइडे को जो है पोछा समुद्री नमक जिसको बोलते हैं सेंधा नमक, वो जो है फ्राइडे के दिन लगा मतलब पानी में थोड़ा सा डाल कर लगाना चाहिए तो बहुत अच्छा होता है, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है ऐसा मैंने सुना है। तो बस वही जो है लगा रहे हैं। और मतलब ऐसे तो हफ्ते में एक मतलब थर्सडे के दिन और एक इतवार के दिन, गुरुवार के दिन, तो उस दिन छोड़ के बाकी सब दिन नमक डालकर पोछा लगा सकते हैं, लेकिन मैं भूल जाती हूँ, मुझे याद नहीं रहता। लेकिन फ्राइडे को ज़रूर याद रहता है, तो मैं फ्राइडे को थोड़ा सा नमक डालकर और तो पोछा लगा लेती हूँ तो अच्छा होता है। मतलब कुछ कुछ ये होती हैं जो मतलब वास्तु दोष के लिए सही होती है। बस मेरा नहाना धोना हो गया, बच्चे भी नहा लिए हैं, तो ये इसको नहला दी, तो मैं कपड़ा वपड़ा धुल रही थी, ये अपना कपड़ा पहन लिया। इसको अभी जो है जो वैसलीन लगाना है, तेल उल लगाना है, तो जो है आ गया है छत पे। तो बस मैंने पहले कपड़ा वपड़ा जो है धुल कर डाल देते हैं, ये सारे मैंने हाथ से ही कपड़े धुले थे। और उसके बाद फिर बच्चों को थोड़ी देर धूप दिखा देते हैं, थोड़ा सा धूप लग जाता है ना तो सही रहता है, नहाने के बाद फिर उतना ठंडा नहीं लगता है। तो जब हम नहाने जाते हैं तो बच्चों को भी साथ में नहला देते हैं, सही रहता है, मतलब बच्चे भी नहा लेते हैं। मैं तो फिर एक तो दिन का पता भी नहीं चलता ना, छोटा सा दिन होता है बीत जाता है, अपने ही कामों में ही बीत जाता है। जब तक बच्चे छोटे छोटे रहते हैं तब तक पीछे पीछे लगे रहते हैं, मम्मा मम्मा करते रहते हैं। लेकिन एक दिन जब यही बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर मम्मा के पास जो है तो बच्चों के पास टाइम नहीं रहता कि मम्मा से बात करें, लेकिन उल्टा हो जाता है सब जो है जब तक, क्योंकि जब बच्चों को खेलने खिलाने का टाइम होता है तब जो है काम रहते हैं ढेर सारे, घर के काम रहते हैं। लेकिन जब एक दिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं
यही अपना जो है दूर दूर चले जाते हैं, जॉब करने लगते हैं, तो फिर माँ तरसती हैं अपने बच्चों के लिए। और जब तक बच्चे छोटे छोटे रहते हैं तब तक कोई वैल्यू नहीं रहती है मम्मियों को, क्योंकि वो अपने कामों में ही इतना बिजी रहती है। लेकिन मैं अपने बच्चों के साथ पूरा टाइम देती हूँ, कोशिश करती हूँ, क्योंकि बच्चे फिर जाए तो कहाँ जाए। अब जो है एक तो स्कूल भी बंद हो गए हैं सारे जो है, और नहीं तो कम से कम स्कूल खुला रहता तो अपना सुबह जाते दोपहर में आ जाते, तो इतना टाइम तो स्कूल में ही इन लोगों का बीत जाता है। लेकिन घर में क्या करें, बेचारे बोर हो जाते हैं। तो मैं थोड़ा सा अपना छत पर खिला देती हूँ, थोड़ा सा टीवी देख लेते हैं, थोड़ा सा जो है मतलब इनके साथ में इनके साथ खेल लेती हूँ, थोड़ा सा थोड़ा ही बहुत खेलती हूँ, मुझे अच्छा, मैं काबू में ही इतना मन जो है वो हो जाता है, मन मतलब थकान लग जाती है, इतने सारे काम होते हैं। लेकिन तब भी मैं बच्चों के साथ जो है कोशिश करती हूँ कि अपना खेलूँ थोड़ा सा, बच्चों को अभी टाइम पास हो। अभी इन लोगों को धूप दिखा रहे हैं और हम भी धूप ले लेंगे, और अभी हम लोगों का खाना पीना नहीं हुआ है, बस बच्चे दूध पिए हैं और थोड़ा बहुत नाश्ता किए हैं, मैं भी वही की हूँ। और उसके बाद फिर मैं अब जाऊँगी बच्चों के लिए जो है मतलब रोटियाँ बनाऊँगी। अब आ गई हूँ किचन में, तो बस बच्चों के लिए जल्दी जल्दी बना देती हूँ खाना, मैं भी खा लेती हूँ। दिन के बज रहे हैं 1:30, लेकिन है भी नाश्ता हुआ रहता है हम लोगों को, तो भूख नहीं लगती क्योंकि समय का पता ही नहीं चलता कब 1:30 2 बज जाते हैं, काम ही करने में इतना टाइम लग जाता है। यहाँ पर मैं बना रही हूँ पराठा सब्जी, मतलब वो जो मेथी की सब्जी है उसके साथ पराठा ही अच्छा लगेगा खाने में। तो ये देखिए मेरा आम का अचार, पराठा और मेथी की सब्जी बहुत टेस्टी बना था, तो आप लोग भी ऐसे बनाइएगा पचफोरन डालकर, बहुत अच्छा बनता है। मेरा खाना पीना हो गया है, और खाना खाने के बाद आज मेरा जो है कुछ मीठा खाने का मन किया, तो वैसे मैं खाती नहीं हूँ लेकिन कभी कभी मीठा खाने का मन करता है खाना खाने के बाद, क्योंकि जो है ना प्यास लगती है तो मन करता है कुछ मीठा खाने का। तो थोड़ा सा मतलब वही सोम पापड़ी और थोड़ी सी मीठी वाली नमकीन जो है मतलब वही थोड़ा सा खाने जा रहे हैं, रोज़ रोज़ नहीं खाते क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन कभी कभी अच्छा लगता है, मन करता है खाने का। और बस अब हम जा रहे हैं आराम करने, 1 घंटा आराम करेंगे। और एक बार आप लोगों को फिर से बोल रही हूँ छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये रही मेरी छोटी सी वीडियो, अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।